आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की टीम एक बार फिर से दिल्ली में पी चिदम्बरम के आवास पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई को चिदम्बरम की तलाश है। देर रात भी सीबीआई और ईडी की टीम चिदम्बरम के आवास पर पहुंची, लेकिन चिदम्बरम घर पर मौजूद नहीं थे। सीबीआई ने चिदम्बरम को 2 घंटे में पेश होने के लिए उनके घर पर नोटिस चिपकाया था। ये कहा गया है उस नोटिस में कि वो सभी सवालों के जवाब दें और इसके लिए पेश हो, लेकिन नोटिस के बावजूद अब तक चिदम्बरम का कोई अता पता नहीं है। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा कल देर शाम से ही जारी है। आज सुबह भी सीबीआई की टीम चिदम्बरम के घर पहुंची, लेकिन चिदम्बरम घर पर मौजूद नहीं थे। कहां है चिदम्बरम, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर अग्रिम जमानत से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी और सीबीआई के सभी सवालों का जवाब दे चिदम्बरम, और इसके लिए एक नोटिस भी चिदम्बरम के घर के बाहर चिपकाया गया है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। मौसमी, सुबह से ही आप चिदम्बरम के घर के बाहर मौजूद है, एक हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर दिखाई दे रहा है। कभी सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन चिदम्बरम नदारद होते हैं। अभी भी चिदम्बरम का कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो सूत्र हैं आपके, जो सीबीआई ऑफिशियल्स हैं या फिर जो ईडी के अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या 10:30 से पहले चिदम्बरम पता लग पाएगा कि चिदम्बरम कहां है? बिल्कुल नेहा, कल्पना कीजिए, वही पी चिदम्बरम है जिनकी एक वक्त में तूती बोलती थी यूपीए में, और बड़े बड़े पदों पर रहे, और सबसे जो कानून बनाने, कई कानून उन्होंने बनाए, आज कानून तोड़ने के आरोप में उनके पीछे वही सीबीआई और ईडी की टीम चल रही है जो इनको रिपोर्ट करती थी। और सवाल यही बड़ा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके कह दिया है कि चिदम्बरम के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और वो क्योंकि मुखर तौर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसी वजह से उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो खुल के ये जो सियासी रस्साकशी है वो तेज हो गई है। एक तरफ सीबीआई और ईडी कह रही है कि वो कोशिश करेगी 10:30 बजे से पहले चिदम्बरम साहब को ढूंढने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे 2 बार सुबह सीबीआई की टीम आ चुकी है। आपको बता दें कि लगातार गश्त लगाई जा रही है, और रात भर सीबीआई की टीम उनके इस जोरबाग के पॉश बंगले में मौजूद रही थी। 11:30 बजे नोटिस चिपकाया, उस पर भी लगातार वाक्य युद्ध या यूं कहे चिट्ठी पे चिट्ठी का युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि उनके वकीलों ने बोला है कि किस कानून के तहत आपने 2 घंटे की मोहलत दी उनको सरेंडर करने के लिए। तो बड़ा पूरा ये जो ये युद्ध है, आज सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा किस तरह से उनके वकील ये दलील रखते हैं। जाहिर तौर पर प्रियंका के ट्वीट ने भी चिदम्बरम और उनकी टीम का हौसला बंधाया होगा। दूसरी ओर ईडी और सीबीआई नकेल कस रही है लगातार, और कोशिश कर रही है कि चिदम्बरम उनके जो घेरे में है वो 10:30 बजे से पहले आ जाए। और मौसमी, एक बात और हैरान करती है, कल शाम लगभग 5 बजे तक पी चिदम्बरम मीडिया के कैमरे के सामने नजर आ रहे थे, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि 16 घंटे बीत गए हैं और चिदम्बरम का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है? क्या रहा ये घटनाक्रम, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से चिदम्बरम यूं भागे भागे फिर रहे हैं? देखिए, चिदम्बरम के लिए ये कहा जाता था नेहा कि ना खाता ना बही, जो चिदम्बरम कहे वो सही। इतने ज़्यादा वो बुद्धिजीवी और एक थिंक टैंक है कांग्रेस का, वो माने जाते थे, तो वो जानते हैं कानून की पेचीदगियाँ क्या होती हैं। यही वजह है कि 6:30 बजे से कल शाम को चिदम्बरम की कोई खबर ही नहीं है। वो चिदम्बरम जिनको सुबह में मिली थी, वो बाकायदा वीरभूमि में गए थे और उनसे हमने बातचीत की और पूछा कि कमलनाथ के जो नेफ्यू है उनके अरेस्ट के बारे में आपको क्या कहना है, आपकी ईडी प्रोब के बारे में क्या कहना है। तो चिदम्बरम जान रहे थे कि किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और आप देखिए किस तरह से उन्होंने पूरे कांग्रेस को उनको बैक करने के, उनको समर्थन करने में इस पॉइंट पे ला दिया है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा रहे हैं यूपीए का, एक करारा झटका कांग्रेस के लिए भी है। और यही वजह है कि चिदम्बरम ने अपने पूरे वकीलों की ताकत को, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, सलमान खुर्शीद हो, अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट पहुंच गए थे, तो किस तरह से पूरे
वकीलों की बैटरी जो है आर्मी है डिफेंड कर रही है चिदंबरम को, और एक आर पार का जो युद्ध है वो छिड़ गया है सरकार और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि इसको सियासी युद्ध के के परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। जिस तरह से कांग्रेस इसको सियासी रूप से भुनाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मोदी सरकार टारगेट कर रही है, सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। नेहा, बिल्कुल सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो चिदंबरम के खिलाफ हैं, और यही वजह है कि चिदंबरम का इस वक्त कोई अता पता नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।